संगीता ठाकुर, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएस स्टडी हब में स्वागत करती हूँ। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि वीएस स्टडी हब में एचपीजी के हिंदी लिटरेचर और हिंदी ग्रामर की वीडियो जो है वो हम डिस्कस करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी ग्रामर का टॉपिक 10। आज से पहले हमने हिंदी ग्रामर के 9 टॉपिक जो है वो विथ ट्रिक जो है वो कम्प्लीट कर लिए हैं। आज मैं टॉपिक 10 कारक लेके आई हूँ विथ ट्रिक, जिसको हम एक बार कर लेंगे तो कभी भी हमें एग्जाम में कारक पहचानने में कभी भी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कारक क्या होता है। ठीक है, कारक में मैंने यहाँ पे ये ट्रिक भी लिखी है, कुछ महत्वपूर्ण बातें भी है जिनको हम एक बार जरूर पढ़ेंगे और इनको लर्न करेंगे ताकि कारक को पहचानने में हमें एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम तो ये जानेंगे कि जो टॉपिक है हमारा आज का कारक, तो क्या होता है दोस्तों कारक। तो कारक वे सारे शब्द होते हैं, वे शब्द होता है जिसके द्वारा वाक्य में जो शब्द सारे प्रयुक्त है उसका संबंध जो है वो क्रिया के साथ बताता है। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के साथ क्रिया के संबंध को बताने वाला शब्द ही कारक कहलाता है। ठीक है, जो भी वाक्य में शब्द होंगे उनका क्रिया के साथ क्या संबंध है ये जो बताता है शब्द वो कारक कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा कारक के भेद। तो कारक के कितने भेद है, कितने भेद है दोस्तों, कारक के 8 भेद है। कौन कौन से, ये हमने सभी ने पढ़ा है कि इसके 8 भेद है, कर्ता ने कर्म को, करण से के द्वारा। ठीक है, ये सारे हमने पढ़े हुए, लेकिन इनको पहचानना जब एग्जाम में आता तो हमें बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैसे, क्योंकि हमने हमेशा ये लर्न ही किया लेकिन इसको कभी अप्लाई नहीं किया वाक्य में कि ये कैसे प्रयोग हो रहे। तो आज वो सारा जो है डाउट हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए कारक इनको जो भी कर्ता ने, फर्स्ट कारक है हमारा कर्ता ने, तो ये जो ने है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको या तो विभक्ति बोलते हैं, चिन्ह बोलते हैं या परसर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जो एक तरफ मैंने कारक लिखे हैं, दूसरी तरफ परसर्ग लिखे हैं, तो इसको विभक्ति भी बोलते हैं और चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे परसर्ग बोलेंगे इसे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा कर्ता, तो कर्ता की क्या होती है, कर्ता ने। ठीक है, क्या विभक्ति होती है कर्ता की, क्या परसर्ग होता है, कर्ता के साथ हमेशा ने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है कर्म, कर्म को करण से के साथ के द्वारा भी आगे होता है ये। ठीक है, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने की स्थिति में, जुदाई की स्थिति में अलगाव को प्रदर्शित करता है ये, और संबंध का के की, रा रेरी ना नेनी, ये सारे जो है वो संबंध कारक की पहचान होते हैं, विभक्ति होती है ये सारी। ठीक है, नेक्स्ट है अधिकरण, अधिकरण का क्या होता है, में और पर, क्या होता है अधिकरण, में और पर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट जब हम करेंगे तो जैसे करण की विभक्ति भी से है, अपादान की विभक्ति भी से है, तो इन दोनों में क्या अंतर है, हम कैसे पहचानेंगे इनको, ये भी हम सारा विट्रिक सारा करेंगे हम। ठीक है, अधिकरण का विभक्ति चिन्ह है में पर, और लास्ट है हमारा संबोधन, संबोधन में आ जाता है हमारा अरे रे हे ओ अजी, ये सारे जो है हमारे ये संबोधन में आ जाते हैं ये, और ये संबोधन जो होता है ये प्रथम विभक्ति का ही एक भेद होता है। ठीक है, संबोधन को जो है वो प्रथम विभक्ति का ही एक भेद माना जाता है, अलग से इसे एक विभक्ति नहीं माना गया है व्याकरणिक तौर पर, इसको क्या है कि प्रथम कारक जो है प्रथम विभक्ति का ही इसे भेद माना है, इसको अलग से जो है विभक्ति नहीं माना गया है। ठीक है, ये हमारे क्या थे, कारक के भेद है, सारे 8 भेद है हमारे पास, कर्ता ने, कर्म को, करण से के साथ, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव की स्थिति में, संबंध का के की, रारेरी नानेनी, आगे है अधिकरण में पे, और संबोधन अरे रे हो अजी ओ, ये सारे क्या होते हैं हमारे, ये चिन्ह है ये कारक और चिन्ह। तो अब हम एक एक को करेंगे, ठीक है, विथ ट्रिक करेंगे, जो भी मैंने यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें लिखी है सारी ये भी देखेंगे हम, सारी महत्वपूर्ण बातें मैंने ये ट्रिक के साथ लिखी है ताकि आपको कारक पहचानने में कोई भी मुश्किल ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे कौन सा है हमारा, सबसे पहले कर्ता। ठीक है, क्या है सबसे पहले दोस्तों, कर्ता, तो कर्ता की क्या परसर्ग है, ने। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कर्ता क्या होता है, कर्ता क्या होता है, क्रिया करने वाले को, क्रिया को करने वाला जो होता है वो ही कर्ता होता है। क्रिया का मतलब है दोस्तों काम, कि जो भी हम काम करते हैं, काम करने वाला जो भी है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कि कर्ता किसे कहते हैं। आगे कर्ता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं ये, फिर इन सभी ट्रिक को हम
नीचे जो मैंने एग्जांपल दिए हैं इनमें अप्लाई करेंगे। अगर हमने ये ट्रिक भी कर लिए, उदाहरण भी देख लिए, तो हमें कभी भी कर्ता को पहचानने की, कर्ता कारक को पहचानने की कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे वाक्य की क्रिया के साथ कौन किसने लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कर्ता कारक कहते हैं। अब देखो जैसे ये है, पहला है हमारा रूल ट्रिक है ये हमारा एक, ठीक है, कि वाक्य की क्रिया जो भी वाक्य है, जैसे चलो फर्स्ट ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट ट्रिक है तो फर्स्ट के साथ मैंने वाक्य भी उसके अकॉर्डिंग लिखा कि ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी रहे। तो फर्स्ट है हमारा वाक्य की क्रिया के साथ कौन किसने लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर आता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। तो फर्स्ट इसका एग्जाम्पल देखेंगे, रानी ने पाठ पढ़ा। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल, रानी ने पाठ पढ़ा। अब क्या बोला है महत्वपूर्ण बातों में कि क्रिया के साथ, तो क्रिया क्या है इधर, रानी ने पाठ पढ़ा, तो क्या किया उसने, क्या क्रिया की, पढ़ा उसने। ठीक है, तो क्रिया के साथ कौन किसने लगाकर प्रश्न करने से, ठीक है, तो अब क्या है, किसने पाठ पढ़ा। अब क्रिया के साथ हमने क्या लगा दिया, बोला है, क्या बोला है महत्वपूर्ण बातों में कि जब हम क्रिया के साथ कौन किसने लगाकर प्रश्न करें और जो उत्तर में आता है वो ही हमारा कर्ता कारक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्रिया है पढ़ा, तो हमने क्रिया के साथ क्या है, कौन और किसने लगाकर प्रश्न किया, और प्रश्न करने के बाद हमें उत्तर में क्या मिला, किसने पाठ पढ़ा, किसने की जगह क्या गया, रानी, रानी ने पाठ पढ़ा, तो मतलब जो हमारा रानी ने है वो कौन सा कारक आ गया हमारा इधर, कर्ता कारक। ठीक है, हो गया, आगे समझ आपको। फर्स्ट जो ट्रिक है हमने कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर, तो सेकंड ट्रिक देखेंगे अब इसमें क्या है, जिसे कर्ता की विभक्ति क्या है दोस्तों, क्या विभक्ति है, कर्ता की ने। तो ऐसा नहीं है कि कर्ता की विभक्ति ने है तो आपको ये हर वाक्य में हर समय ये कर्ता के साथ ने लगा ही मिले। कई वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें ने नहीं होता लेकिन फिर भी वो कर्ता कारक होता है, उस स्थिति में हमें उसको क्या बोलते हैं, शून्य परसर्ग बोलते हैं, मतलब कर्ता के साथ उसका ही विभक्ति नहीं लगी है, मतलब उसके साथ शून्य परसर्ग है लेकिन फिर भी वो कर्ता कारक है। ठीक है, देखो ये आपने नोट कर लेने बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, ने हर दशा में कर्ता के साथ नहीं आता, ठीक है, शून्य परसर्ग भी आता है। ठीक है, तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे देखेंगे अभी, रानी पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, नंबर दो क्या है, रानी पुस्तक पढ़ती है। अब देखो यहाँ पर ने कहाँ है, ने कहाँ नहीं है ना, ने यहाँ पर, हाँ तो ने नहीं है, कर्ता रानी है, रानी क्या कर रही है, क्रिया कर रही है, क्या क्रिया कर रही है, पुस्तक पढ़ रही है वो। ठीक है, तो रानी के साथ क्या है, ने नहीं लगा है, पुस्तक पढ़ती है, तो रानी पुस्तक पढ़ती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रानी के साथ ने नहीं लगाया तो ये कर्ता कारक नहीं कर्म कारक आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा, कर्ता कारक। क्यों, क्योंकि हमें पता है, ट्रिक पता है हमें कि ने हर दशा में जो है कर्ता के साथ नहीं आता, कभी कभी जो है कि शून्य परसर्ग भी आता है, तो यहाँ पर क्या है, कर्ता कारक है किसके साथ, शून्य परसर्ग के साथ। क्लियर हो गया आपको, ठीक है, फर्स्ट भी क्लियर हो गया, अभी सेकंड भी हो गया। थर्ड देखेंगे क्या है हमारा, जब भी, ये ध्यान से देखेंगे, जब भी कर्ता के साथ ने आए तो कर्म क्रिया। ठीक है, जब भी कर्ता के साथ ने आए तो सकर्म क्रिया। अब अकर्मक और सकर्म क्रिया भी हमने की है, विद ट्रिक सारी की है हमने, तो सकर्म क्रिया क्या होती है, कर्म, कौन सी क्रिया जिसके साथ कर्म होता है। ठीक है, सकर्म मतलब कर्म सहित, ठीक है, सकर्म क्रिया। तो देखेंगे, राजा ने रोहन को देखा, क्या है हमारा थर्ड, राजा ने रोहन को देखा, कर्म आ गया ना हमारा, राजा कर्ता और कर्म, जब कर्म आ गया साथ में तो कौन सी क्रिया आ गई, वो हमारी सकर्म क्रिया। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि जब भी कर्ता के साथ ने, ठीक है, वैसे तो शून्य परसर्ग भी आता है लेकिन कर्ता के साथ जब ने आ जाएगा तो हमेशा क्या आएगी हमारी, कर्मक क्रिया आएगी। क्या आएगी हमेशा दोस्तों, हमारी कर्मक क्रिया आएगी। ये भी हमारा एक बहुत इजी ट्रिक है, ठीक है, कि जब भी कर्ता के साथ ने आया तो मतलब हमारी क्रिया क्या, कर्म। अब यहाँ पे वाक्य में चाहे आपसे कर्ता कारक पूछा गया हो या अकर्मक या सकर्म क्रिया पूछी गई हो वाक्य में, अगर कर्ता के साथ ने है तो आपने बिना सोचे समझे टिक किस पे कर देना है, किस वाक्य में सकर्म क्रिया ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट ट्रिक है हमारा, ने हमेशा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ने हमेशा
भूतकाल वाक्य में ही आता है। ठीक है, जो कर्ता के साथ विभक्ति है ने, वो हमेशा भूतकाल में ही आएगा, आपके वर्तमान काल में भविष्य काल में ये कभी भी नहीं आएगा ने। ठीक है, कैसे? अब उदाहरण देखेंगे। रानी पुस्तक पढ़ेगी। अब देखो, रानी पुस्तक पढ़ेगी, अब कैसे है? अब ये देखो, दो वाक्य देखो आप। ठीक है, फर्स्ट वाक्य देखो और फोर्थ देखो, तो क्या बोला है? ने हमेशा भूतकाल वाक्य में आएगा, तो रानी ने पाठ पढ़ा। पढ़ा मतलब उसने क्रिया कर ली है, तो काम कर लिया है, मतलब वो हमारा क्या है? पास्ट है, भूतकाल है वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला? ने हमेशा भूतकाल वाक्य के साथ आएगा, तो ये जो ने है ये हमारा इधर आ गया। ठीक है, आया तो मतलब ये वाक्य क्या आएगा हमारा? यहाँ पर क्या वाक्य आया है हमारा? ये भूतकाल। ठीक है, भूतकाल आ गया हमारा ये वाक्य, रानी ने पाठ पढ़ा। ने हमेशा भूतकाल वाक्य में आता है, यहाँ पे ने आया तो मतलब ये भूतकाल वाक्य है। ठीक है, आगे ये देखो, ये है हमारा गागी की, किसकी पहचान होते हैं? भविष्य काल की। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया? रानी पुस्तक पढ़ेगी, ने नहीं आया ना, तो मतलब कर्ता शून्य परिसर के साथ है यहाँ पर, क्योंकि ये भविष्य काल का वाक्य है, तो इसमें क्या है? कर्ता के साथ ने कभी भी नहीं आता, इसीलिए कौन सा है यहाँ पर? कर्ता कारक है, लेकिन किसके साथ है? शून्य परिसर के साथ है, और यहाँ पर भविष्यत काल है, इसीलिए ये क्या है? कर्ता कारक है, भविष्यत काल है, इसीलिए यहाँ पर ने नहीं आया। ठीक है, हो गया क्लियर आपको ये ट्रिक भी? और लास्ट में देखेंगे हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं जब कर्ता कारक पूछा जाता है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान से देखेंगे। लास्ट है हमारा ये ट्रिक, असमर्थता। असमर्थता होती किसी काम को न करने की क्षमता। ठीक है, असमर्थता का भाव प्रकट करने वाले वाक्य में ने के स्थान पर से के द्वारा प्रयोग किया जाता है। अब क्या है ऐसे वाक्य जिसमें जो है वो असमर्थता कि मेरे से ये काम नहीं किया जा सकता, नहीं का भाव हो, मतलब वो अपनी जो भावना है वो प्रकट करे कि मेरे से ये काम नहीं हो सकता या उससे वो काम नहीं हो रहा है, तब जब असमर्थता की भावना प्रकट हो तो वहां पे क्या होता है? वहां पे जो कर्ता कारक होता है उसमें ने नहीं लगकर क्या लगता है? ने के स्थान पर से या फिर के द्वारा लगता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि से के द्वारा आ गया तो आपने सीधा क्या लिख दिया? करण कारक लिख दिया। नहीं, वहां पे क्या है आपने देखना कि असमर्थता प्रकट हो रही है और ने के स्थान पर से के द्वारा आ रहा है, तो हमारा ये कर्ता कारक ही है, आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो एग्जाम्पल, इसीलिए मैंने इसके चार एग्जाम्पल दिए कि आपको पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, इसका क्या आएगा हमारा? मामा से भजन गाया नहीं जा रहा है। क्या है एग्जाम्पल? मामा से भजन गाया नहीं जा रहा है। अब क्या है यहाँ पर? यहाँ पर मामा की जो है वो असमर्थता, मतलब उनसे काम नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है, मामा से भजन गाया नहीं जा रहा, तो यहाँ पे हमने मामा की असमर्थता प्रकट की, इसीलिए हमने कौन सा कारक लगाया यहाँ पर? से लगाया, लेकिन ये किसके बदले में लगाया हमने? कर्ता के ने विभक्ति के स्थान पर हमने से का प्रयोग किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर मामा की असमर्थता प्रकट हो रही है, तो यहाँ पर कर्ता ने ना लगकर से लगेगा। ठीक है, आई समझ आपको? मामा से भजन गाया नहीं जा रहा, तो ये क्या है? ये हमारा करण कारक ना होकर कर्ता कारक है ये। ठीक है, क्योंकि करण की विभक्ति से के द्वारा होती, तो यहाँ पर कंफ्यूजन बनता ही बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, पत्र छात्र के द्वारा। अब देखेंगे यहाँ पर, पत्र छात्र के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो के द्वारा, अब क्या है? पत्र छात्र के द्वारा लिखा जाता है, तो किसके द्वारा लिखा जा रहा है? छात्र के द्वारा लिखा जा रहा है पत्र, तो इसमें क्या आ गया हमारा? ये पत्र जो है छात्र के द्वारा लिखा जा रहा है, तो इसमें क्या है? के द्वारा। अब कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने, अब ने की जगह क्या है? के द्वारा, किसी और के द्वारा काम किया जा रहा हो, तो कैसे किसी और के द्वारा काम किया जा रहा है, तो भी हमारा क्या आता है? इसमें असमर्थता प्रकट होती है कि खुद से पत्र ना लिखे, दूसरे से लिखवा रहे हैं, पत्र जो वो छात्र के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया हमारा? के द्वारा, यहाँ भी ने नहीं आया। ठीक है, तो मतलब कर्ता जो है वो किसके साथ है? के द्वारा के साथ आया, तो यहाँ पर है हमारा कर्ता कारक ही, लेकिन अपनी विभक्ति के साथ ना होकर के द्वारा के साथ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अंधा देख नहीं सकता।
तो ये भी असमर्थता है, ठीक है। ये भी किसी असमर्थता क्या होती है, किसी काम को ना करने की क्षमता, या कोई किसी से काम ना हो रहा हो तो वो क्या होता है, असमर्थता। तो अंधा देख नहीं सकता, ठीक है। तो अंधा क्या है, यहाँ पर करता है वो देख नहीं सकता, तो यहाँ पर भी क्या है हमारा, यहाँ पे जैसे शून्य परसर्ग है इसमें, इसके साथ भी, ठीक है। तो मतलब असमर्थता भी है और शून्य परसर्ग भी है हमारा, यहाँ पर दोनों ही है। तो दोनों ही कंडीशन में हमारा कौन सा कर्ता आएगा, यहाँ पर कौन सा कारक आएगा, कर्ता कारक, ठीक है। लास्ट हमारा रोगी से चला नहीं जा रहा, क्या है, रोगी से चला नहीं जा रहा। तो यहाँ पर भी क्या है, असमर्थता प्रकट हो रही है कि रोगी से चला नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया फिर से हमारा, यहाँ पे शून्य परसर्ग था और यहाँ पर क्या आ गया हमारा, से आ गया, किसकी जगह पर, कर्ता ने की विभक्ति की जगह पर, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा इम्पोर्टेंट बातें जो मैंने यहाँ पर लिखी थी, वे ट्रिक लिखी है। अगर एक बार इनको लर्न कर लेंगे आप तो आपको कभी भी कर्ता कारक को पहचानने की मुश्किल नहीं होगी। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है वो होता है असमर्थता की, जब भावना प्रकट करते हैं तो वहां पर ने ना लगकर क्या लगता है, से के द्वारा लगता है, तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है कि ये करण तो नहीं है गई, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छी तरह से ये रीड करने हैं आपने, और एग्जाम्पल को भी एक बार फिर से रीड करना है, तो ये कर्ता कारक जो है वो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कौन सी कारक करिए, हमें फर्स्ट कर लिया कर्ता कारक, नेक्स्ट है हमारा कर्म कारक। तो कर्म कारक क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर लेते हैं कि कर्म कारक क्या होता है। कर्म होता है हमारा संज्ञा सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार का जब फल पड़ता है तो वहां पर क्या आता है हमारा, कर्म कारक आता है, ठीक है। तो कर्म की क्या परसर्ग है, कर्म का विभक्ति क्या है, कर्म की को, ठीक है, क्या है कर्म की विभक्ति, को है। और इसकी क्या डेफिनेशन आ गई हमारी, संज्ञा सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार, क्रिया के व्यापार का मतलब दोस्तों क्रिया के काम करने का क्या प्रभाव पड़ता है वहां पर, ठीक है, कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है वहां पर, तो उसको बोलते हैं व्यापार, व्यापार का फल पड़ता है, ठीक है। तो वहां पे क्या आता है, कर्म कर्म कारक आता है, ठीक है। महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं इसकी हम क्या है, तो सबसे पहले तो देखेंगे महत्वपूर्ण बातें में, फर्स्ट क्या है, को का प्रयोग, को का प्रयोग मतलब कर्म की जो विभक्ति है हमारी, को उसकी बात की जा रही है। तो को का प्रयोग प्राणीवाचक, प्राणीवाचक होते हैं लिविंग थिंग्स जो होती है, प्राणीवाचक, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक में अनिवार्य नहीं है, जो प्राणीवाचक है वहां पर वो अनिवार्य होता है, लेकिन अप्राणीवाचक में अनिवार्य नहीं होता, कई बार मतलब बहुत रेयर होता है कि वहां पर प्रयोग हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अप्राणीवाचक के साथ होता ही नहीं, अनिवार्य नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे ये इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं पहले आपको, फिर क्लियर होगा। को का प्रयोग प्राणीवाचक साथ, जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, ठीक है, चोर को पकड़ा, तो चोर क्या है हमारा, लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग क्या है, प्राणीवाचक है ना, तो चोर के साथ जो है वो को आया, तो ये हमारा क्या है इधर, प्राणीवाचक है ये, ठीक है। पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो चोर के साथ आ गया हमारा को, तो को मतलब प्राणीवाचक है, ठीक है। और अप्राणीवाचक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट दिया है हमने, ये नेक्स्ट ये क्वेश्चन है हमारा, ये भी है अप्राणीवाचक ही है ये, देखो प्रिंसिपल ने पुरस्कार बांटे, ठीक है, प्रिंसिपल ने पुरस्कार बांटे। तो अब ये जो पुरस्कार है हमारा कर्म कारक, ये तो कर्ता है ना हमारा, ये कर्ता, ये काम कर रहे हैं, ये कर्ता कारक है, पुलिस ने कर्ता कारक है, प्रिंसिपल ने, तो कौन से कारक है ये, कर्ता कारक। अब हम बात कर रहे हैं अभी कर्म कारक की, तो हमने कर्म कारक देखना है, तो चोर को आ गया, तो को बोला है कि को का प्रयोग प्राणीवाचक के साथ अधिकतर होता है, तो चोर जो है वो हमारा प्राणीवाचक है, इसके साथ को आ गया हमारा, ठीक है। आगे है पुजारी ने भक्तों को प्रसाद दिया, तो यहां पर भी भक्त क्या आ गए हमारे दोस्तों, भक्त आ गए प्राणीवाचक, सारे लिविंग थिंग्स से गए, ठीक है। तो क्या है भक्तों, भक्तों में क्या आ गया हमारा, को आ गया दोबारा, तो ये भी मतलब प्राणीवाचक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ने पुरस्कार बांटे, अब कर्म क्या है यहाँ पर, पुरस्कार है, तो पुरस्कार क्या है हमारा, अप्राणीवाचक है, तो यहाँ पे क्या है, अप्राणीवाचक है, इसीलिए ये एक ट्रिक है आपका, ठीक है, अप्राणीवाचक है तो मतलब पुरस्कार जो है वो उसके साथ को नहीं लगेगा हमारा, क्यों, क्योंकि ये जो है ये अप्राणीवाचक है, ठीक है। देखो पुरस्कार है तो उसके आगे को यहाँ पर नहीं लगा है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट राधा ने पत्र लिखा, अब ये देखिए कर्म क्या है इधर, पत्र, और राधा ने क्या है यहाँ पर हमारा, ये
क्या है ये कर्ता कारक। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कर्म कारक की। तो कर्म है हमारा पत्र और पत्र आगे हमारा अप्राणिवाचक, तो वहां पर यहाँ पर क्या है कर्म का जो परसर्ग है वो क्या है यहाँ पर शून्य आ गया है हमारा। मतलब इसका मतलब है कि पत्र के साथ जो है वो को नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है, क्या ट्रिक है हमारा कि वो अप्राणिवाचक है इसीलिए जो है वो क्या को नहीं लगा है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट अगर जैसे प्राणीवाचक अप्राणीवाचक से भी आपको कई बार नहीं पता चले नहीं समझाए तो आपने दूसरा ट्रिक है वो देखना है। फिर विभक्ति रहित कर्म, कर्म को क्या कहां से प्रश्न करना है। विभक्ति रहित कर्म, अगर विभक्ति रहित कर्म हो तो क्या करना है आपने। विभक्ति रहित कर्म हो तो हमें क्या और कहां से प्रश्न करना है। ठीक है, क्रिया के साथ क्या करना है हमने क्या और कहां लगा के प्रश्न कर लेना। जो हमारा उत्तर आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा कर्म कारक हो जाएगा। देखो जैसे नेक्स्ट है हमारा रानी स्कूल गई। अब प्रश्न कैसे करना है हमने, हमने प्रश्न करना है क्या और कहां से। प्रश्न करना हमने क्या और कहां से। अब रानी स्कूल गई तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर जब हम प्रश्न करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, रानी कहाँ गई। ठीक है ना, रानी कहाँ गई तो रानी स्कूल गई, तो कहाँ की जगह क्या उत्तर आ गया हमारा स्कूल। तो मतलब यहाँ पे भी हम अपना ट्रिक हम अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी हमें पता चल जाएगा कि स्कूल के साथ को नहीं लगा है। मतलब कर्म जो है वो परसर्ग जो है वहां पर शून्य रहित है। ठीक है, तो उससे क्या है कि कहाँ से हमने प्रश्न कर दिया और हमें पता चल गया यहाँ पे कि कर्म क्या है, क्या कर्म आ गया हमारे यहाँ पर स्कूल कर्म आ गया। ठीक है, देखते हैं राजा खाना खा रहा है। अब देखो यहाँ पे फिर से रानी करता थी राजा भी करता है, अब यहाँ पर खाना खा रहा है तो कर्म, कर्म देखना है हमने क्या है। अभी को यहाँ पर है नहीं, अब हमें नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है वो कर्म कौन सा है, खाना है खा है रहा है क्या है। तो आपने यहाँ पर प्रश्न करना है क्रिया के साथ। ठीक है, तो जैसे राजा क्या खा रहा है, अब क्या की जगह जो भी शब्द आएगा वो ही आपका कर्म कारक होगा। ठीक है, जैसे हमने प्रश्न किया राजा क्या खा रहा है, राजा खाना खा रहा है, तो क्या की जगह क्या प्रश्न आ गया आपका, क्या उत्तर आ गया आपका शब्द खाना। तो मतलब खाना जो है वो उसके साथ को नहीं लगा है। और ऐसे ये भी यहाँ भी ट्रिक, ये अगर पहले वाला भूल जाए तो आप दूसरा अप्लाई कर दो, ये भूल जाए पहले वाला अप्लाई कर दो, आपके दोनों में से कोई ना कोई ट्रिक हर वाक्य में होगा आपका। तो वहीं से ही आपको पता चल जाएगा कि कर्म कारक है यहाँ पर। ठीक है, कर्म कारक कौन सा है, जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि वाक्य में कर्म कारक कौन सा है तो आपसे पूछा जाएगा। तो रानी है, रानी स्कूल गई, तो इसमें से क्या बताएंगे आप, स्कूल। ठीक है, लेकिन आपने को ढूंढने नहीं बैठना है कि कर्म जो है वो परसर्ग को है तो हमें को मिलेगा ही मिलेगा। कई बार है कि को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे ये कंडीशन आ जाएगी आपकी कि को का प्रयोग केवल प्राणीवाचक के साथ लगता है, प्राणीवाचक के साथ अनिवार्य नहीं है। मतलब ऐसा सोचो कि मोस्ट ऑफ द टाइम लगता ही नहीं है, वो बहुत कम लगता है। ठीक है, तो को ढूंढते रहोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहां पर है, कौन कर्म कारक है हमारा। अगर आपको को वाला वाक्य आ गया, ठीक है, को वाला वाक्य आ गया, तब तो आपके बता दोगे जल्दी से कि चोर को ये हमारा कर्म कारक है। लेकिन आपको ऐसे प्रश्न आ गए रानी स्कूल गई कर्म कारक कौन सा, इसमें तो स्कूल गई, इसमें को नहीं ढूंढना है हमने क्योंकि हमने प्रश्न किया इसमें से क्रिया के साथ क्या या कहां लगाकर, तो रानी कहां गई तो आ गया हमारा स्कूल। ठीक है, तो कर्म कारक आ गया हमारा। ठीक है दोस्तों, ये था दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्या किया कि कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद है। तो आज हमने कर्ता कारक और कर्म कारक दोनों कंप्लीट कर लिए हैं पूरा। ठीक है, कर्ता कारक भी कर्म कारक भी हमने विस्तृत कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ मैं दो करवा रही हूँ आपको, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट के सारे कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो सही लगी होगी और विद ट्रिक मैंने ये करवाए हैं तो आप ये ट्रिक थोड़े से लर्न कर लेंगे एक बार, तो कभी भी कारक को पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।